अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज की हमारी उर्दू की वीडियो छठी जमात के लिए है। आपकी दर्सी किताब अपनी जबान, इसके सफा नंबर 121 पर एक नज़्म है, 19वें नंबर पर पयाम अमल। पयाम कहते हैं पैगाम को और अमल यानी काम। इस नज़्म के शायर मोहम्मद फारूक दीवाना हैं जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। मेरे साथ साथ आप इस नज़्म की रीडिंग कीजिए, जहां पढ़ा जाए वहीं उंगली रखिए। सफा नंबर 121 निकालिए अपनी किताबों में, यहां से हम शुरू करते हैं। गर कौम की खिदमत करता है एहसान तू किस पर धरता है, धरना यानी रखना। शायर कह रहा है कि अगर तू अपने कौम की खिदमत कर रहा है तो ये किसी पर एहसान नहीं कर रहा। तू गैरों का दम भरता है, तू खौफ के मारे मरता है। गैरों का दम भरना यानी गैरों की बात मानना, किसी की बात में आना। और खौफ के मारे क्यों मरता है यानी किसी तरह का डर और खौफ क्यों है तेरे ध्यान में। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब इंसान किसी काम के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। शायर कहने का मतलब यह है कि तू उठ जा और जो तेरा मकसद है उसकी तरफ कदम बढ़ा ले, फिर देख अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगला मदे इस नज़्म का, जो उम्र मुफ्त गंवाएगा, यानी अगर अपने वक्त को गंवा देगा खाली रहकर, अपने वक्त को यूं ही बेकार गंवा देगा खो देगा वक्त को, वो आखिर को पछताएगा। जो अपने वक्त को गंवाएगा, जो अपने वक्त को जाया करेगा, आखिर में उसको पछताना पड़ेगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। अगर खाली बैठा रहेगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा, जो ढूंढता है उसको कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तो कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। यानी किसी काम के करने में अगर आपको कुछ करना है तो फिर ज्यादा सोचने में वक्त ना गवाइए। कब तक देर लगाएंगे, ये वक्त जो इस वक्त है ये भी आखिर एक दिन गुजर जाएगा, जैसे पिछला वक्त गुजर गया ये वक्त भी चला जाएगा और फिर आखिर में पछताना पड़ेगा। और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब इंसान खड़ा हो जाता है अपने मकसद के लिए तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। सफर नंबर 122 पर आ जाइए, अगला मद है इस नज़्म का, जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। मौके बार बार नहीं मिला करते जिंदगी में, अगर कोई मौका मिला है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। अगर कोई मौका आया है आगे बढ़ने का तरक्की करने का तो इंसान को उसको खोना नहीं चाहिए। जो मौका पाकर खो देता है उसको फिर बाद में पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। अश्क कहते हैं आंसुओं को, आंसुओं से मुंह धोएगा यानी कि रोएगा। जो सोएगा वो रोएगा, जो काटेगा जो बोएगा। जो सोएगा, जो सोता रहेगा वो उसको जब जाएगा तो उसको रोना पड़ेगा, वक्त उसका गुजर जाएगा। और जो काटेगा जो बोएगा, काटेगा वही जो बोएगा। इसमें एक तरह से खेत की मिसाल दी गई है, जैसे खेत में जो अनाज बोता है वही काटता है। तो जब बोने का वक्त होता है अगर वो उस वक्त को सोकर गुजार देगा तो जब काटने का वक्त आएगा तो वो कुछ भी नहीं काट पाएगा, उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए फल हासिल करने के लिए बोना पड़ता है, शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में उसका फल इंसान को मिलता है। तू गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा। तू गाफिल गफलत में कब तक पड़ा रहेगा, कब तक पड़ा हुआ सोता रहेगा। जो अल्लाह को मंजूर है वो तो होकर रहेगा, जो होना होगा होएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर तू कमर बांध लेगा अपनी, अगर तू हिम्मत कर लेगा, उठ खड़ा होगा, काम में अपने लग जाएगा,
फिर खुदा तेरी मदद करेगा, फिर देख खुदा क्या करता है। अगला बन देखिए इसका आखिरी बन, ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये दुनिया तो फना होने वाली है, तुझे भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, और जो आया है वो जाने के लिए ही आया है इस दुनिया में। फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिन में ठानी है। तुझको क्यों हैरानी हो रही है इस बात से, तो अपने दिल में जो तूने ठान रखी है, जो तेरा इरादा है, उसको कर गुजर और कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो फिर तो पत्थर भी फिर पानी है। जब इंसान हिम्मत करता है, हिम्मत से काम लेता है, तो वो पत्थर को भी पानी कर देता है, यानी वो मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं रहती, मुश्किल आसान हो जाती है अगर वो अपने दिल में ठान ले और हिम्मत करके खड़ा हो जाए। उड़बान कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये बड़ी हिम्मत दिलाने वाली एक नज़्म लिखी है शायर ने कि इंसान को अपने वक्त को गंवाना नहीं चाहिए, अपने वक्त का इस्तेमाल सही करना चाहिए, और सोने में, आराम तलबी में और अपने इधर उधर की बातों में वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपना काम वक्त पर करना चाहिए। ये इस नज़्म में सबक दे रहा है हमको शायर। इसके बाद में नीचे देखिए कुछ अल्फाज मानी हैं, इनको अपनी सवाल जवाब की कॉपी में कीजिए। जैसे यहाँ पर है गाफिल, बेखबर, गफलत करने वाला, फानी, फना होने वाला, ख़त्म होने वाला, जौलानी, जोश, तबीयत की रवानी, हिम्मत, खौफ का मानी है डर। इसके बाद इसके सवाल जवाब करेंगे आप अपनी सवाल जवाब की कॉपियों में। नज़्म की रीडिंग के बाद अब ये चार अल्फाज मानी है, इनको अपनी सवाल जवाब की कॉपी में कर लीजिए। और छह सवाल हैं इसके, इन सवालों के जवाब आप यहाँ बोर्ड पर से देखकर लिखेंगे। पहले सवाल लिख लीजिए अपने सवाल जवाब की कॉपी में और उसके नीचे नंबर देख के उसका जवाब लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन से सवाल का जवाब में क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर एक है, कौम की खिदमत किस जज्बे से करनी चाहिए। तो इसका जवाब है, कौम की खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से करनी चाहिए। हमारा जज्बा ये होना चाहिए, हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है, इसलिए हम अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। सवाल नंबर दो, वक्त बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। इसके जवाब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो अपना वक्त बर्बाद करता है उसे पछताना पड़ता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीन, नज़्म के तीसरे बंद में शायर ने क्या कहा है। नज़्म का तीसरा बंद यानी ये, जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मुंह धोएगा। तो इसका जवाब यहां से देखिए, नज़्म के तीसरे बंद में शायर कहता है कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिला करते, इसलिए मौके को गफलत से गंवाना नहीं चाहिए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए और अपने मकसद को हासिल करने के लिए कदम बढ़ा देना चाहिए, तभी खुदा भी मदद करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर चार, वक्त पर काम ना करने का क्या अंजाम होता है। इसके जवाब है, वक्त पर काम ना करने का अंजाम ये होता है कि इंसान को रोना पड़ता है। अभी उस वक्त का रोना इंसान के काम नहीं आता, इसलिए अपना काम वक्त पे करना चाहिए। जो वक्त है हमको उस काम को उसी वक्त पे अंजाम देना चाहिए, नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। सवाल नंबर पांच, हिम्मत की जौलानी से शायर का क्या मतलब है। इसका जवाब है, शायर ने हिम्मत के जोश और बलवले को हिम्मत की जौलानी कहा है। हिम्मत में जोश और बलवला जो होता है उसको हिम्मत की जौलानी कहा है शायर ने इस नज़्म में। सवाल नंबर छः, पत्थर के पानी होने से क्या मुराद है, यानी पत्थर जैसी सख्त चीज भी पानी हो जाए, बिल्कुल नरम पड़ जाए, ऐसी नरम पड़ जाए कि वो बहने लगे, यानी इतनी आसान हो जाए। तो इसका जवाब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर छः, मुश्किलों का आसान होना पत्थर के पानी होने से ये मुराद है कि मुश्किलें आसान हो जाए। तो अल्लाह चाहता है तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जब इंसान हिम्मत करता है और कदम बढ़ाता है। तो इस तरह से ये आपके सवाल जवाब होगा अपनी सवाल जवाब की कॉपी के लिए। अब ग्रामर की कॉपी में जो आपको काम करना है वो सिर्फ एक ही काम है, यहाँ ये पांच मुहावरे दिए हुए हैं, इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। इसके आगे मानी भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, लफ्ज एहसान धरना, यानी किसी की मदद करके उसे जताना, यह एहसान धरना मुहावरा। इसके मानी, किसी की मदद करके उसको जताना।
इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिएगा। अगला मुहावरा है दम भरना। इसके मानिए किसी को बहुत ज्यादा याद करना, किसी हर वक्त तारीफ में, किसी की तारीफ में लगे रहना, किसी की तारीफ करते रहना। दम भरना, कमर बांधना, इसके मानिए तैयार होना। हाथ ना आना, हासिल ना होना या ना मिलना, इस मुहावरे के मानिए। पत्थर पानी होना, बहुत मुश्किल काम का आसान हो जाना। ये पांच मुहावरे हैं, इनको अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिएगा आप ग्रामर की कॉपी में। तो ग्रामर की कॉपी का सिर्फ यही एक काम है, वो सवाल जवाब है। इस तरह से आपकी ये नज़्म मुकम्मल होती है। आप अपना काम कर लीजिए पूरी तवज्जो के साथ। शुक्रिया।